कंपनी हुआवे सहित कांग्रेस नेता जयराम रमेश को कौन रही संपर्क। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी एक पुस्तक अंश शेयर कर जयराम को मागिले स्पष्टीकरण। हुआवे कंपनी को सुरक्षा कारण अमेरिका समेत अन्य देश मैंने सारी ब्यान। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील महेश कांग्रेस नेता जयराम रमेश के ठारु चीन रो कंपनी हुआवे सहित तांकर कौन संपर्क रही ताहा उपरे स्पष्टीकरण दाबी करिछंती। चीन रो ई कंपनी विभिन्न देशर सुरक्षा प्रति विपद थिबा कारणरु यूएस समेत विश्वर अनेक देश एहाकु ब्यान करि सारिछंती। महेश जेठमलानी एक ट्वीट करि कहिछंती जे 2005 मसियारे जयराम रमेश चीन रो टेलीकॉम कंपनी हुआवे को भारत रे काम करबा पई ओकिलाती करथिले। या सहित से तांको ट्वीट रे एक पुस्तक रो अंश रो स्क्रीनशॉट को शेयर करिछंती। जेठमलानी एबे भारत सरकार को चीन नीति उपरे प्रश्न उठाउछंती तेनु ताको हुआवे स संपर्क रे स्पष्ट करबा उचित। महेश जेठमलानी प्रथम थर पई जयराम रमेश को चीन स संपर्क पई काठगडा रे ठिया करैछंती ता नहि या पूर्वरु मध्य से एपरि करि सारिछंती। गतमास अर्थात 2022 डिसेंबर मास 22 तारीख दिन महेश जेठमलानी एक ट्वीट करी जयराम रमेश को चीन रो दुष्प्रचारर मुखपात्र बोली कहिथिले। सेतेबेले से ट्वीट करी कहिथिले जे जयराम रमेश को द्वारा भारतर फार्मा शिल्पर अपमान करिबा स्वाभाविक, से एक उत्साही सिनोफिल ओ चीन रो दुष्प्रचारर मुखपात्र। तांकर मिछ को गेम्बिया ओ उज्बेकिस्तान रो सरकार पर्दाफाश करि सारिछंती। जेठमलानी जो स्क्रीनशॉट को शेयर करिछंती ताहा जयराम रमेश 2005 मसिहारे लिखिथिबा मेकिंग सेंस ऑफ चीन इंडिया रिफ्लेक्शन ऑन चाइना एंड इंडिया पुस्तक अंश। एक पुस्तक रे जयराम रमेश चीन रो इतिहास संस्कृति और अन्य विषय गुड़िक उपरे निजर आग्रह रो उल्लेख रहिछि। सेई पुस्तक रे स्पष्ट करिछंती जे अनेक क्षेत्र रे प्रतिस्पर्धा और विवाद सत्वे भारत और चीन स्वाभाविक भावे शत्रु नुहंती। ए पुस्तक रे से हुआवे कंपनी रो बारंबार उल्लेख करिछंती। से भारत सरकार द्वारा चीन रु एफडीआई उपरे कड़ा अभिमुख्य अपनाइबा तार तदारक करिबा चीन रो कंपनी हुआवे रो उपकरण को भारत रे व्यवहार न करिबा आदि सरकार को निष्पत्ति उपरे प्रश्न उठाइछंती। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जय जगन्नाथ। चकाखी साबु देखु आमे लड़ीबू साधारण ओडियांक न्यायर लड़ी किए भी आमर गुआ दिया बंधु नुहंती किए भी पार्टी रे तुंडी दे बसु किंतु आमे कहिबू रोक ठोक।